एटा जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत एसएसपी उदय शंकर सिंह ने एक नई मुहिम की शुरुआत की। जिले के अलीगंज कोतवाली में सड़क सुरक्षा को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस गोष्ठी में आए सैकड़ों लोगों को आधा घंटा के लिए बिना वर्दी का पुलिस वाला बना दिया गया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आधे घंटे के लिए पुलिस बने लोगों ने सड़क पर उतरकर वाहन चेकिंग शुरू कर, जिसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों को रोका गया। उन्हें सबसे पहले समझाया गया, फिर तुरंत ही नया हेलमेट खरीदने को कहा गया। अरे हर बच्चे की, हर बेटा की, हर भैया की जान बचाने के लिए चले। आज मैंने सब बहनों ने और अपने शासन के थाने से, शासन के सहयोग से, यानी कितनी माताएं बहनें आस लगाए बैठी होंगी मेरा बेटा आता होगा। बिना हेलमेट के मैंने आज कम से कम 50-51 बच्चों का जान बचाई। सभी अपने भाई बहन और जो भी लेडीज भी चलाती हैं, सभी के लिए उसको हेलमेट जरूरी होता है। उसको हमने आज इसको सूचित किया, बताया और किराए पर गांधी मूर्ति चौराया या बंगला पे हमने और आगे वाले बंगले के चौराहे पे हमने इसको प्रशासन से अपने साथ इसको हमने सूचित किया गया है। और कुछ हमने हेलमेट पहनाए अपने भाइयों को और कुछ गाड़ियां रोककर हमने उनको समझाया। जन जागरूकता अभियान यातायात प्रबंधन में चलाया जा रहा है, उसी के दृष्टिगत आज जो यहाँ अलीगंज क्षेत्र के संभ्रांत लोग थे उनसे जनसंवाद किया गया, उनकी समस्याओं को जाना गया और यहाँ के यातायात प्रबंधन को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें जन सहयोग कैसे लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मातृशक्तियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों को समझाया, काफी लोगों को इन लोगों ने हेलमेट इत्यादि पहनाया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से जन सहयोग से लगातार ये कार्यक्रम स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर चलाते रहेंगे।